Assalamu alaikum dear students, welcome to computer networks course week 2 part 1 of lecture 2. I'm your instructor Yasir Hamid. I hope you will be safe and healthy. You know the protocol, stay at home until the corona pandemic is over. So let's start our second lecture by giving you a review of the previous lecture. Last week, we first discussed that an internet network is a collection of connected two or more LANs or WANs. We also discussed that to do that, we need a router. A router is an internet network device that connects network, breaks the collision and broadcast domain. In addition to router, we discussed hub, which has only one collision and one broadcast domain. The primary purpose of a hub is to receive the data from host and forward it as directed. On the other hand, switch and bridge do divide the collision domain but do not divide the broadcast domain. Switch and bridge are used interchangeably as they do the same work, but in market you won't find a physical bridge but a switch. The ports available on a switch are far greater than a bridge as well. We then talked about the layered approach, its advantages, and how a layered approach can reduce the mess if otherwise planned. We also discussed the advantages a reference model offers. A reference model lays down the foundation, which then can be implemented by different vendors, thus forming a uniformity and allowing the compatibility feature possible. While discussing the OSI model, we talked about its 7 layers: physical, data link, network, transport, session, presentation, and application layer. Dear students, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 7 layers दिखाए गए हैं OSI model के. यहाँ पे अगर आप distribution को देखें, तो नीचे से जो फिजिकल लेयर है उसको लेयर 1, फिर ऊपर की तरफ जाने इसको लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7 नाम दिए गए हैं. जो रेफरेंस बुक्स है वो उसकी डिवीजन इस तरीके से करते हैं, लेकिन यही लेयर सेंडर जो डिवाइस होगा उसके ऊपर कुछ इस तरीके से होंगे कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसमें आप मैसेज टाइप करते हैं और जिसको किसी नेटवर्क या इंटरनेट के ऊपर आप सेंड करते हैं, तो सबसे पहले वो कम्युनिकेशन जो होगी वो एप्लीकेशन लेयर के साथ होगी. जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को, तो आपका जो मैसेज होता है वो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के पास आता है सेंडर होस्ट साइट्स से. ठीक है, ये मैसेज एप्लीकेशन लेयर पर आता है. एप्लीकेशन लेयर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शंस या टास्क है वो परफॉर्म करके इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है प्रेजेंटेशन लेयर को. मैं आपको इस माउस के जरिए दिखाना चाहूँगा. एप्लीकेशन लेयर फॉरवर्ड करके इसको प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेजता है. वो आपके मैसेज के साथ कुछ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऐड करके आगे सेशन लेयर के पास भेज देता है. सेशन लेयर अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके साथ ऐड करके ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज देता है. ट्रांसपोर्ट लेयर अपना काम करने के बाद नेटवर्क लेयर के पास भेज देता है, फिर डेटा लिंक लेयर के पास, और एट द एंड वो फिजिकल लेयर के पास चला जाता है जहाँ पे इसे बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया होता है और फिजिकल लेयर इसको फिजिकल मीडिया के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है. सेंडिंग या सेंडिंग डिवाइस से ये मैसेज कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के साथ फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और जब ये रिसीविंग डिवाइस पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे यही काम उल्टा होता है. सबसे पहले बात आ जाती है वो जो पैकेट्स, वो जो पीडीयूज है वो सबसे पहले फिजिकल लेयर के पास पहुंच जाते हैं. फिजिकल लेयर यहाँ पे अपने टास्क परफॉर्म करके अपने कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इससे हटा के ऊपर डेटा लिंक लेयर को फॉरवर्ड कर देता है. डेटा लिंक लेयर इससे अपने
रिगार्डिंग अपने रिस्पेक्टिव कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हटा के ऊपर नेटवर्क लेयर के पास भेज देता है, नेटवर्क लेयर इसे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इसे सेशन लेयर के पास भेज देता है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेज देता है और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर के पास इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। एप्लीकेशन लेयर के बाद आपकी स्क्रीन के सामने जो सिंपल मैसेज होता है जिसको भेज दिया गया होता है वो आपके सामने नज़र आ रहा होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। लास्ट लेक्चर में हमने OSI मॉडल को सबसे पहले टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था और हमने बात की थी कि एक ग्रुप अपर लेयर है, दूसरा ग्रुप जो है वो लोअर लेयर्स है। अपर लेयर में तीन लेयर्स काम कर रहे थे, तीन लेयर के को हमने ऐड कर दिया था, एप्लीकेशन लेयर को, प्रेजेंटेशन लेयर को, सेशन लेयर को, जबकि जो लोअर लेयर है उसमें चार लेयर्स को हमने ऐड किया था, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर था, नेटवर्क लेयर था, डेटा लिंक लेयर था और फिजिकल लेयर था। हियर यू सॉ द अपर लेयर इंक्लूड द एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द सेशन लेयर। यूजर इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर एट द एप्लीकेशन लेयर एंड आल्सो दैट द अपर लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशंस कम्युनिकेटिंग बिटवीन होस्ट। नन ऑफ द अपर लेयर्स नोज एनीथिंग अबाउट नेटवर्किंग आर नेटवर्क एड्रेसेस बिकॉज दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फोर बॉटम लेयर्स। द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द यूजर इंटरफेस वाइल द प्रेजेंटेशन लेयर is responsible for the presentation of data, handling processing such as encryption and decryption. The session layer keeps data of different applications running on the host machine separate from each other by maintaining sessions. On the other hand, the four lower layers group include transport layer, network layer, data link layer and physical layers. These four bottom layers that define how data is transferred through physical media like wire, cable, fiber optics, switches and routers. These bottom layers also determine how to rebuild a data stream from a transmitting host to a destination host application. Transport layers deals with the reliable or unreliable delivery of data by using TCP or UDP, also perform error correction before data transmission. Network layer uses IP addresses for path determination and selection. Data link layer deals with frames and uses physical addressing scheme called MAC address. In addition to this, it also perform error detection. The physical layer handles bits and voltage levels on different communication medium. Within separated the seven layer OSI model into three different functions: the upper layers functions, the middle layer functions and bottom layer functions. The upper layers application, presentation and session communicate with the user interface and application. You also saw the different functions performed by each layer. The middle layers, transport and network, do reliable communication and routing to a remote network. And the bottom layers communicate to the local network. Now, it's time to start our second lecture to explore each layer's functions in detail. Jito students, sabse pehle aa jati hai application layer. The application layer of the OSI model marks the spot where users actually communicate to the computer and comes into play only when it is clear that access to the network will be needed soon. The application layer is working as the interface between the actual application program and the next layer down by providing ways for the application to send information down through the protocol stack. जैसे हमने पहले बात की कि जब आपको नेटवर्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जब आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसको नेटवर्क या इंटरनेट
यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो सबसे पहले उसका वास्ता एप्लीकेशन लेयर से होता है। एक बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एप्लीकेशन लेयर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन करेंगे नेटवर्क के ऊपर, वो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन लेयर के साथ। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को, और यही एप्लीकेशन लेयर आपके इस मैसेज को नीचे बाकी के जो 6 लेयर्स है, जो इसके नीचे लेयर है एप्लीकेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसको ये फॉरवर्ड कर देता है मैसेज को। इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द कम्युनिकेशन पार्टनर्स अवेलेबिलिटी। आया आप जिस डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आया वो अवेलेबल है या नहीं, ये काम भी एप्लीकेशन लेयर का होता है। इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू परमिट द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस। अच्छा, आप जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेट सपोज डेस्टिनेशन पार्टी जो है वो अवेलेबल है, उस अब इसके लिए जो रिसोर्सेज दरकार है, ठीक है, नेटवर्क रिसोर्सेज है या आपके डेस्कटॉप रिसोर्सेज है, हार्डवेयर रिसोर्सेज है, वो उसको कंफर्म करता है, वेरीफाई करता है कि वो है आपके पास या नहीं। तो ये सारे काम जो है एप्लीकेशन लेयर के हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर जो आपकी है वो कुछ इन इवेंट्स में इन्वॉल्व होती है। जब आप फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ईमेल करते हैं, ठीक है, इनेबलिंग रिमोट रिसोर्सेज कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो आपके डेस्कटॉप के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी और सिस्टम के साथ है जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं है, उन रिसोर्सेज को आप हासिल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। क्लाइंट सर्वर प्रोसेसेस जो होते हैं, क्लाइंट सर्वर का आपको पता ही होगा, ठीक है, टाइप ऑफ नेटवर्क है, पीयर टू पीयर होता है। इंफॉर्मेशन लोकेशन, कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप आइडेंटिफाई यूज़ करना चाहते हैं जो नेटवर्क के ऊपर पड़ी हुई है। तो इन इवेंट्स में आपका जो एप्लीकेशन लेयर है वो इन्वॉल्व होता है। द एप्लीकेशन लेयर वर्क्स एज द इंटरफेस बिटवीन एक्चुअल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। दिस मीन्स एंड यूजर प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डू नॉट रिजाइड एट द एप्लीकेशन लेयर, द इंटरफेस विद द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। अच्छा, तो स्टूडेंट सेकेंड जो हमारे पास लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। तो प्रेजेंटेशन लेयर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स पर्पस। It actually presents data to the application layer and is responsible for data translation and code formatting. यहाँ पर जो बात की गई है कि ये application layer को data present करता है, तो ये receiving end पर होता है, ठीक है, receiving end पर। मैंने जैसे start में बात की कि ये process उल्टा चलता है, नीचे से message आता है ऊपर की तरफ, तो presentation layer जो है वो रिसीविंग एंड पे एप्लीकेशन लेयर को डेटा प्रेजेंट करके देता है, लेकिन जो सेंडिंग एंड पे है इसका काम अलग होता है, डेटा ट्रांसलेशन का होता है या कोड फॉर्मेटिंग का होता है। क्या इसका मतलब क्या है? थिंक ऑफ इट एज द OSI मॉडल्स ट्रांसलेटर प्रोवाइडिंग कोडिंग एंड कन्वर्जन सर्विसेज, ठीक है। वन अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ इंश्योरिंग अ सक्सेसफुल डेटा ट्रांसफर इज टू कन्वर्ट द डेटा इन टू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट before transmission. Computers are configured to receive this generically formatted data and then reformat it back into its native state to read it. An example of this type of translation service occurs when translating old extended binary coded decimal interchange code EBCDIC data to ASCII, the American standard code for information interchange, often pronounced ASCII. ओके यूजर स्टूडेंट्स, आप इस बात को देखें, अगर लेट्स सपोज हर कंप्यूटर जो है वो अपने हिसाब से डेटा को आगे फॉरवर्ड करता, तो जो रिसीविंग एंड है, जो होस्ट है, जो कंप्यूटर्स इसको रिसीव करते, तो उस मे बी के वो इसको ट्रांसलेट करने में उसको प्रॉब्लम आ रही होती या इसको रीड करने में प्रॉब्लम आ रही होती। तो OSI मॉडल ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम इसके लिए किया हुआ है। प्रेजेंटेशन लेयर इसको एक जेनेरिक फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता है, चेंज कर देता है, और यही मैसेज जो आपका चेंज फॉर्म में होता है, ठीक है, ये जब रिसीविंग एंड पे OSI मॉडल के प्रेजेंटेशन लेयर को मिलता है तो ये वापस इसको अपनी हालत में कन्वर्ट कर देता है। ओके, बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज द प्रेजेंटेशन लेयर इंश्योर्स
that data transfer from the application layer of one system can be read by the application layer of another one. ये बात हमने अभी की. Presentation layer is also involved in compression, decompression, encryption, decompression, decryption, sorry. तो ये जो टर्म्स हैं इनके साथ आप आपको नो हाउ होगी, फेमिलिरिटी होगी. कंप्रेशन हम लोग यूजुअली साइज को कम करने के लिए यूज़ करते हैं. कुछ विनड्रॉर, विनजिप इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है. तो यही काम आपके प्रेजेंटेशन लेयर के भी के ऊपर भी हो रहा होता है. उसको सेंडिंग एंड पे कंप्रेस कर देता है, रिसीविंग एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर उसको डिकम्प्रेस कर देता है. सेंडिंग एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारी इंक्रिप्शन होती है, ठीक है, ताकि आपकी जो 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 मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर, वो अगर रिसीविंग एंड पे पहुंच जाता है, रिसीविंग एंड पे सॉरी पहुंचने से पहले हैक हो जाता है, तो उसको कोई रीड ना कर सके. सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है. और डिक्रिप्शन होती है प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर. अच्छा, ये यूज़र यहाँ तक हमारा पार्ट फर्स्ट काफ़ी था. मिलते हैं ब्रेक के बाद पार्ट सेकेंड में. थैंक यू.